कहूँगी मेरे लिए बहुत बड़ा एक ब्लेसिंग बन के आया, क्योंकि मदारी मैंने कोक स्टूडियो में गाया था एंड पीपल स्टिल लव दैट सॉन्ग. आज 6 साल हो गए हैं उस गाने को. That is one of the best produced Indian song, I would say, done by Sonu Kakkar, Vishal Dadlani and Clinton Sarajo. What a beautiful song. Yeah. So that is one of the biggest success, non-film, successful non-film song from MTV, MTV's product. Absolutely. और वही कहूँगी कि MTV जब कुछ करते हैं तो बहुत कमाल का होता है. अभी season 8 Unplugged, पहले भी मैंने Unplugged किया था और हर बार जब जब उस स्टेज पर होती हूँ और होती हूँ तब तो बहुत मज़ा आता ही, लेकिन इस बार तो तीनों, मतलब हम तीनों सिब्लिंग्स साथ में थे. इट वाज अमेजिंग. एक्चुअली नेहा नेहू अभी नहीं है, वो शी कुड नॉट कम, पर जो एपिसोड है वो हम तीनों का साथ में, तीनों का साथ, व्हिच इज अमेजिंग. वी हैड ग्रेट टाइम परफॉर्मिंग ऑन स्टेज. वो आपको नज़र आएगी, एनर्जी नज़र आएगी, वो वाइब नज़र आएगी कि जब सिब्लिंग्स परफॉर्म करते हैं एक साथ तो क्या ऑडियंस के ऊपर क्या असर आता है और वो लोग क्या फील करते हैं. आई नो कि आई एम श्योर दे विल डेफिनेटली लाइक इट. हमारी तरफ से हमने बहुत कोशिश की है अच्छा करने की. उम्मीद यही है कि आप सबको पसंद आएगा. ये भी जानते हो आज के दौर में इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को कितना मौका मिल रहा है या कितना ज़्यादा, मतलब वो इंडिपेंडेंट करियर लेके आगे बढ़ सकते हैं. आई एम श्योर काफ़ी कुछ है, अगर बॉलीवुड में भी नहीं है तो नॉन फिल्म आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं. आजकल तो आपके वर्जन किए हुए, आपके कवर वर्जन किए हुए इतने पॉपुलर हो जाते हैं अगर जनता उसे एक्सेप्ट करती है तो बहुत सारे रास्ते हैं. और हम लोग तो, मैं इंडिविजुअली कहूँगा, मैं तो नॉन फिल्म म्यूज़िक करके ही फिल्म में आया हूँ. मेरा जितना इंडिपेंडेंट, इनफैक्ट इंडिपेंडेंट सक्सेस देखी जाए तो 2018 में माई सॉन्ग कोका कोला 2 वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट. तो कोई पार्टी उस गाने के बिना नहीं होती है. तो कम्प्लीटली वो नॉन फिल्म सक्सेस है, ना ही बड़ा लेबल है उसमें, ना ही बहुत बड़ा सिंगर है मैं हूँ, तो पर चला हुआ. तो ऐसे ही आई एम श्योर कि और भी आर्टिस्ट अगर करेंगे और प्रोडक्ट अपना बस बाहर निकालें, रिलीज़ करें उसको, भले ही कहीं से भी रिलीज़ करें, यूट्यूब से करें या कहीं से भी, तो आई एम श्योर अच्छा होगा. तो वो फैल जाएगा. बहुत ज़्यादा है इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए. आई वुड से कि बहुत अच्छा वक्त है ये. और इनफैक्ट मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है सोनू कक्कर ऑफिशियल करके, जहाँ पर मैं अपनी पसंद का म्यूज़िक करती हूँ. जो गाने मैंने कभी चाहा था कि मैं कभी गाऊँ वो मैं अपनी वर्जन करके गाती हूँ. तो आजकल बहुत बहुत अच्छे अच्छे मीडियम्स हैं जहाँ पर आप अपना टैलेंट शोकेस कर सकते हो. प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हैं. तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर ऑल द इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट. और MTV बहुत बड़ा रोल अदा करता है इन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को आगे लाने में. I am very excited about being part of Royal Stag, Barrel Select, MTV Unplugged Season 8. I've been watching this show all the seasons and some of my favorite... Sorry, they totally come. We have an intruder. But anyways, no, I'm kidding. Some of my favorite artists have performed, and now on this season people like Arjuna is performing. So a lot of newer talent, including myself, are getting this opportunity and I'm very, very excited. It's your first MTV Unplugged? It's my first time doing my own, like a song that I've sung originally, but I sang with Amit Trivedi last season. Amazing. Are we interviewing each other now? No. Okay. I just want to... मैं बहुत खुश हूँ ये शो पे आने के लिए, because it's my first time on MTV Unplugged. और इतने बड़े बड़े सिंगर्स के साथ गाना, your face is covered. इतने बड़े बड़े सिंगर्स के साथ गाना एक, you know, by itself is a big honor. So I'm very happy to be here. आ गया है, आज रिलीज हो गया 12 बजे. सॉन्ग का नाम है तू ना मेरा. इट्स अबाउट 2 soldiers. आप जरूर देखना, बिकॉज यू नो रिपब्लिक डे इज ऑल्सो अराउंड द कॉर्नर. बहुत अच्छी लव स्टोरी है, तो आप सॉरी आप यूट्यूब पे देख सकते हैं. श्योर. खुद से कहते रहता तू ना मेरा, तू ना मेरा, तू ना मेरा, रहने देना तू ना मेरा, तू ना मेरा, फिर क्यों मिले है मुझे हर जगह पे ऐसे तू. गाना इज कॉल्ड तू ना मेरा एंड इट्स ऑन YouTube नाउ. किसके बारे में सर? सर अभी सोनू जी तारीफ किया तो एक्चुअली माय डे इज मेड, माय ईयर इज मेड. आई कांट टेल यू हाउ व्हाट अ बिग ऑनर इट इज. He's
He's the best. I mean, we are such big fans of his, me and Junita, everybody here. We're, it's such an honor for him to even know about me. I was like, he knew the words to the song. I was going to introduce him. Hi, sir, I'm Arjun Kanwar. Of course, I know you. It's such a big thing for me that they're listening to my songs. So I'm hugely touched. Actually, the fact that Sonu Ji is on the same season is even more special because the beginning of my career was with Sonu Ji, really? Performing live with him. So it's like my life has come full circle. It feels like that. Thank you. मैं हमेशा कोशिश कर रही है कि इतना ऊंची बोलना है कितना ऊंची बोलना है ये भी बता दो इतना ठीक है मैंने कोशिश करी ऑलवेज कि जो गाने हैं वो नए तरीके के हैं और आज के तरीके के हैं क्योंकि मेरा दिमाग आज का है मेरी ऑडियंस आज की है और जितने भी गाने हमने सुपर हिट लोगों ने गानों को बनाया वो हम उनमें से चार पांच गानों को हमने रिक्रिएट करा है फॉर द एमटीवी अनप्लग्ड सीज़न 8 और हमें ये उम्मीद है कि वही गानों को आप सब इतना ही प्यार दोगे जितना पहले प्यार दिया और एक उनमें नया गाना है सजन रुस जावे था वो भी सुनना अगर आपके पास टाइम हो तो ये तो हर एक मार्केट की अलग अलग ऑडियंस है एंड इन इंडिया बॉलीवुड से बड़ा आई थिंक बॉलीवुड से बड़ा इंडिया में कुछ नहीं है और जब मैं इंडिपेंडेंट म्यूज़िक कर रहा था तो मेरे साथ रॉ ऑडियंस जुड़ी हुई थी गाँव की कस्बों की जो जहाँ से मैं हूँ और वही ऑडियंस प्राउड फील करती है जब उनका आर्टिस्ट बनाया हुआ आर्टिस्ट बॉलीवुड में जाता है तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ जब मैंने शुरू में बॉलीवुड में 2017 में सूट निकाला तो मेरी खुद की ऑडियंस ने प्राउड फील करा मेरे गांव ने प्राउड फील करा और इम्पॉर्टेंट होता या नहीं होता ये बात की बात है बट आप कितना इन्जॉय कर रहे हो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मैं इन्जॉय करता हूँ ये जर्नी अपनी और मेरे जितने भी सुनने वाले हैं चाहने वाले हैं जिन्होंने पहले दिन से टाइम निकाला अपना टाइम दिया गाने सुनने के लिए आई थिंक उनके लिए ज़्यादा प्राउड फीलिंग बात है कि मैं बॉलीवुड में आज गा रहा हूँ और इंटरनेशनली कलेब्रेशन कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा है मैं ग्रेट ग्रेट फैन ऑफ हांस जिमर सर और उनके स्कोर्स उनका बैकग्राउंड स्कोर सब कुछ मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ और आई ऑल्सो लुक फॉरवर्ड टू डू समथिंग लाइक दैट इन फ्यूचर बट आई एम टी मी अनप्लग्ड इज़ वन ऑफ दैट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म की जिसमें इतना रॉ म्यूज़िक है गिटार्स हैं यू हैव फ्लूट्स यू हैव वायलिन जिससे आप एक उसी गाने को जो कमर्शियली हिट गाना नया रूप देते हो और मैं सुनता रहता हूँ अनप्लग्ड वर्जन ताकि मैं भी थोड़ा सा सुर में गा सकूँ कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपको पर्सनली पसंद है सुनने में या बजाने में मेरे को इंस्ट्रूमेंट बजाने तो कम आते हैं मेरे को मतलब ऐसे प्रॉपरली इंस्ट्रूमेंट बजाना नहीं आता आई जस्ट नो हाउ टू डू ट्यून्स ऑन हारमोनियम दैट्स इट एंड आई लव हारमोनियम का साउंड गुरु इस सीजन के लिए आपने क्या प्रिपरेशन की है जैसे हमने गाने अब तो कर दी प्रिपरेशन और क्या क्या नया देखने मिलने वाला है क्योंकि बहुत सारे गाने आपके फैंस भी हैं इसमें हमने लाहौर गाना करा है यार मुर्दो करा है बंजा रानी करा है पटोला करा है एंड देन दिस न्यू सॉन्ग कॉल्ड सजन रुस जावे था वो जितने भी जिनके दिल टूटे हैं लड़के लड़कियों के उनके लिए करा है और आई थिंक उस गाने की तो गा देता हूँ एक बार जग्गी भाई से पूछ लो अगर गा सकते हैं तो ये ना वो बाद में वो बोलें कि है ना नहीं मतलब रिलीज नहीं हुआ तो गा दिया अच्छा अपना गा देता ना ओ तेरी चढ़दी जवानी मैनू किल करी जावे अखां नू मिलावे कदी अखां नू चुरावे अखां नू मिलावे कदी अखां नू चुरावे अंबरां दी राणी देखो हाथ भी ना आवे चोरी 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 इशारे कर दिया कुड़ी दारू वर्गी आ ओ हौली हौली चढ़ दिया जद कोई दिल मंगदा ओ नाना नाना कर दिया कोई जो नया है जैसे लड़के काम कर रहे हैं उनको कुछ मैसेज कुछ तो पूछो यार ये तो क्या क्वेश्चन इस क्वेश्चन का क्या लेना देना कि आपके गाने तो पता है मैं गाता हूँ उनके लिए कहना कि पहले तो
इनको चुप करवाओ। उनके लिए यही कहना है कि कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, आप करते रहो, काम लगे रहो, और आप जिस भी गांव से हो, जिस भी शहर से हो, वो भी मैटर नहीं करता, आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा और अपना सक्सेस जो है उसको अचीव करने के लिए सबसे पहले तो अपने माँ बाप की सेवा करो, उनकी इज्जत करो और उनको खुश रखो, और वहीं पे भगवान है, और इतना हार्ड वर्क करो कि भगवान खुद आके आपको बोले कि हाँ भाई तू डिज़र्व करता है, तू सक्सेसफुल होने के काबिल है, फिर आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगा। ये पूछना चाहूँगा, आपके अलावा और भी पंजाबी सिंगर से काफ़ी फेमस हैं, काफ़ी फॉलोअर्स हैं उनके, तो जिस तरह से फिल्में बनती हैं सोशल इंक्लाइंड फिल्म, सामाजिक संदेश देने वाली, पंजाब में काफ़ी सारी समस्याएं हैं, जैसे ड्रग्स का काफ़ी समस्या है, तो क्या कहना चाहेंगे पंजाब में कहाँ है वो, तो सारी दुनिया, ये तो आई थिंक वही आपको जो फिल्मों में दिखाया जाता है हम लोग उसी के पीछे पड़ जाते हैं। आई थिंक पंजाब इज़ अ ब्यूटीफुल स्टेट, और ये तो जो कॉजेज़ पे फिल्में बनती हैं बननी चाहिए ताकि हम और अवेयर हों, हमें सही और गलत का पता चले, और ऐसी फिल्मों को आई थिंक हमें सबको प्रमोट भी ज़्यादा करना चाहिए, ताकि कोई भी सोशल कॉज है जिसमें हमारे समाज का अच्छा हो रहा है उसको हम उसमें कंट्रीब्यूट करें किसी ना किसी तरीके, और बेहतर बनाएं हिंदुस्तान को। कौन से कॉर्नर में है? तो मेरे को ये मैसेज देना कि जो भी हमारे सोल्जर्स हैं या जो भी लोग हमारे हिंदुस्तान की डेवलपमेंट में या हिंदुस्तान को ऊपर बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं एवरी डे, मेरे जैसा बंदा जाता है एक दो दिन जाके वहाँ कोई सेवा सुवा करता है और ज़्यादा बताता है, बट जो बैक एंड पे लोग बैठे हुए हैं जो असल में काम कर रहे हैं उन सबको बहुत बहुत मुबारक, और आपको सल्यूट है सबको कि आप हमारी सेवा करते हो, हमारे लिए अपनी जान आपकी खतरे में डालते हो, और we all love you, we all pray for your success and good health, and let's everybody say Jai Hind. Jai Hind. आप भी बोल रहे हैं Jai Hind. साइलेंट वरना मैं वायलेंट हो जाऊंगा। एक मिनट हो जाए जरा। स्टार्ट करें। ओके गाइस। एक्शन। एमटीवी क्या है, रॉयल स्टैग बैरल सिलेक्ट एमटीवी अनप्लग्ड सीजन 8 में जो मैं आया हूँ इस बारी, उसमें एक ऐसा जॉनर है जो मैं बचपन से बहुत सुनता आया हूँ, अभी भी सुनता हूँ और मैं उसका फ़ैन हूँ, वो है गज़ल्स। लेकिन मैंने कभी गज़ल्स को जैसे एज ए प्रोफेशन नहीं गाया कभी भी, पर सुना बहुत है और सीखा बहुत है, और यही हमारे जो ग्रेट्स हैं जगजीत जी, गुलाम अली जी, मेहंदी हसन साहब, हुसैन बख्श जी, तलत अजीज जी, पंकज राज जी, अनुज अरोड़ा जी, इन सब लोगों से सीख सीख के इनकी गायकी को अपने एक्सप्रेशन में जो फिल्मी गाने हैं उसमें मैंने डाला। तो आई थॉट बजाय मैं अपना कुछ गाना करने के, ये जनरेशन जो है, जैसे मेरा बेटा है वो इंग्लिश गाने गाता है, एडम लवीन, वरून 5, जस्टिन बीबर, पर जब उसने मेरा ये वर्जन सुना झुकी झुकी सी नज़र, तो उसने जाके उसका क्या बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल ढूंढा यूट्यूब से और उसने गाया झुकी झुकी सी नज़र। तो मुझे अच्छा लगा कि कम से कम ये जो जनरेशन है वो मेरी वजह से इन गानों को सुनने के लिए कहीं ना कहीं तो तत्पर होगी। तो दैट वॉज माई होल आइडिया। आपको लगता है अभी इतने सब रीमिक्सेस आ रहे हैं, पुराने गानों को उठा के रिप्राइज वर्जन बना रहे हैं, पहले का जो हमारे पास संगीत था वो एक गोल की तरह जिसे अब वापस से रिफाइन किया जा रहा है और नए गाने नहीं बन रहे, डू यू फील दैट कि हम कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं ओरिजिनल गानों? बनाओ बनाओ, मैं तो बोलता हूँ जितने वर्जन बनाने बनाते रहो, खूब बनाओ, पर जो तुम्हारे बच्चे आएंगे वो भी तो किसी को चुराएंगे, तो अपने भी नए अभी भी कुछ बनाओ नए, ताकि तुम्हारे बच्चे भी चुरा पाए कुछ ना, इसलिए मैं मजाक कर रहा हूँ। बट व्हाट आई फील इज ये एक बिजनेस डिसीजन है रादर देन म्यूजिकल डिसीजन, कि कोई गाना ऑलरेडी पॉपुलर है, जैसे आँख मारे ऑलरेडी पॉपुलर था गाना, तो उसको अब दोबारा आपको पेश नहीं करना, आपने उसको कपड़े बना दिए नए से,
और बोल दिया नया गाना है तो ठीक है, अच्छी बात है. वो एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू इज अ गुड थिंग एंड पीपल आर एंजॉयिंग दिस. आज लोग डांस तो कर रहे हैं उस गाने पे, ठीक है, आई एम ओके विद दैट. क्या हुआ, क्या तो रिग्रेट करिए आना, रिक्रिएट करिए, मैं बोला रिग्रेट करिए. हाँ जी, नहीं, अरे वो सब समझदार बच्चे हैं, सबको सब मालूम है आजकल. एंड और बहुत इज्जत करते हैं, बहुत तमीज़दार हैं. एंड आई एम जस्ट हैप्पी कि ये लोग भी हैं और मैं भी हूँ, एंड वी ऑल डू आर ओन डिफरेंट स्टफ, सो इट्स ऑल गुड. हाँ जी, एक का नाम नहीं ले सकते क्योंकि सब में अपनी अपनी कुछ बातें हैं, चाहे वो अरिजीत हो या अरमान हो या अमित मिश्रा भी बहुत अच्छा गाते हैं, काफ़ी नकाश बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लड़के लड़कियां सभी, अदिति सिंह शर्मा, जोनिता गांधी, दे ऑल ग्रेट सिंगर्स. एंड दिस टाइम द जनरेशन जो आ रही है वो सब अच्छी अच्छी गाने वाली आ रही है. सोनी सर, कल नीलेश राणे ने एक पीसी की थी, उसमें कहा गया था कि बाला साहब ठाकरे राहुल जान से मारने की कोशिश की गई थी जब बाला साहब ठाकरे थे. वी आर नॉट टेकिंग दोस क्वेश्चंस, सॉरी, ये जो फैक्ट है, वी आर नॉट टेकिंग दोस क्वेश्चंस, सॉरी. सो क्या कहना चाहेंगे? We're done. Okay, thank you. Thank you, thank you. आपको पता नहीं होगा ना मेरा है? साहिब सर क्या कहना चाहेंगे, एमटीवी अनप्लग्ड से एसोसिएट होने की कितनी खुशी मिलती है, कितना नयापन लग रहा है आपको लाइफ में? हमेशा एक नई चीज़ आती है इसमें और एक्साइटमेंट रहती है कि आप ही का गाया हुआ गाना या फिर किसी का भी गाना हो, हालांकि मैं अपना एक ही गाना गा रहा हूँ जो कि अमित त्रिवेदी जी का म्यूज़िक है, शैली सर ने लिखा है, मन मर्जियाँ का गाना है दरिया, मैंने और एमी विक जी ने गाया जो मैं यहाँ पे गा रहा हूँ भी. सो वाइल्ड रिकॉर्डिंग बहुत सी चीज़ें हमें लगता है कि ऐड ऑन करनी चाहिए या निकालनी चाहिए, तो यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा फ्रीडम मिल जाती है, ऑडियंस लाइव सामने होती है, तो एक गायकी का चबा चबा के गाना और मज़ा लेना और सामने वाले के अप्रिसिएशन पाना डिफरेंट माहौल होता है, मज़ा आता है. और आपने जब हैरी मेट सेल में गाना गाया है शाहरुख के लिए, तो क्या कहना चाहिए, एक फिल्म जब चलता है मतलब हिट होता है तो क्या सिंगर्स को भी उस चीज़ का असर होता है? बहुत फ़र्क पड़ता है, और जहाँ तक सिंगर्स का है वो कंपोजर्स के अधीन होते हैं और उनके डायरेक्टर म्यूज़िक डायरेक्टर होते हैं. हमारे डायरेक्टर जो हैं वो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, तो वो हमें जैसा बोलते हैं हम वैसा गाते हैं, और हम प्रे करते हैं कि ये फिल्म भी इंशाल्लाह काम करे, ऐसा कि हम भी साथ साथ में किसी काबिल हो जाएँ, तो वो खैर लक और नसीब की बात होती है, लेकिन इतने बड़े प्रोजेक्ट के साथ जुड़ना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और शाहरुख खान साहब के लिए गाना अपने आप में एक अवार्ड लेने जैसा है. तो हिट और फ्लॉप चलते रहेंगे, लेकिन एक अच्छा काम हमेशा याद किया जाएगा, ऑलवेज. थैंक यू सो मच.